नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर एक जवान से मौत से पहले की है। इलाज के अभाव में यह जवान तड़प रहा है और परिजन डॉक्टर से इलाज के लिए मिन्नत कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि इस जवान का इलाज किया जाए। बावजूद इसके डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजता। आखिर इलाज के अभाव में जवान की मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? तो 23 जुलाई को इस जवान का सैंपल लिया गया था और अब तक इसका रिपोर्ट नहीं आया है। कोरोना संक्रमित होने की आशंका में डॉक्टरों ने इस जवान का इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से इस जवान की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। बंगाल से इस जवान को लाया गया था और बोकारो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिया गया और बोला गया कि जब तक कि कोरोना का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम जो है दूसरा वार्ड नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तबीयत उसकी अधिक तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब थी, इसके बावजूद भी जो है कोई केयर नहीं किया गया और सिर्फ यूं ही जो है वहां रखा गया। कि फोर्स ज़्यादा मत ही है और उसको बार बार हम बोल रहे हैं कि डिप्रेशन का और शुगर का दवाई चलाइए, लेकिन नहीं वो मेरा बात सुने। बार बार चिल्ला चिल्ला के हम बोलते रहे। ट्रेनिंग में जो लड़का है ना उसको जाकर के पहले ठीक कीजिए, उसको हम तो बोल के आए हैं तुमको हम देख लेंगे। दवाई किया गया था कोविड-19 से, जबकि उनको कोरोना कुछ नहीं था। हम लोग का रिपोर्ट भी लिया गया, लेकिन रिपोर्ट के बाद भी उनको मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया गया और रिपोर्ट देने में भी बहुत